हिम्मत है तो छूकर दिखाओ, हिम्मत है तो वहाँ जाकर दिखाओ, हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखाओ। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलें। अक्सर आप डेली यूज में इस प्रकार के सेंटेंस बोलते होंगे। इसके लिए एक स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सबसे पहले हम एक वर्ब लिखेंगे और वर्ब के बाद एंड लगाएंगे, फिर से एक वर्ब लिखेंगे, यानी दो वर्ब लिखेंगे, एक वर्ब उसके बाद एंड फिर से वर्ब, और उसके बाद लिखेंगे हम इफ़ यू डेयर। ठीक है, इफ़ यू डेयर, इफ़ यू डेयर का मतलब होता है हिम्मत है, यदि हिम्मत है इसलिए हम इफ़ यू डेयर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे हिम्मत है तो छूकर दिखाओ, तो सबसे पहले हम वर्ब लिखेंगे, फिर एंड लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, तो इस प्रकार से होगा टच एंड सो इफ़ यू डेयर, टच एंड सो इफ़ यू डेयर, इफ़ यू डेयर अंत में बोलेंगे। तो एग्जाम्पल दूसरा है, हिम्मत है तो वहाँ जाकर दिखाओ, तो इसे बोलेंगे गो देयर एंड सो, गो देयर एंड सो इफ़ यू डेयर, गो देयर एंड सो इफ़ यू डेयर। एक और एग्जाम्पल, जैसे हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाओ, तो सबसे पहले वर्ब लिखेंगे टच, और यहाँ पर मी की बात हो रही है मुझे की, तो मी लिख देंगे टच मी एंड सो इफ़ यू डेयर, टच मी एंड सो इफ़ यू डेयर। तो इस प्रकार से आप ऐसे वाक्यों को बोलेंगे। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।